वेलकम टू शाहीन्स किचन। मैं आज आपको अपने किचन में दही बड़ा बनाना बताऊंगी। दही बड़े तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन जो आज की रेसिपी है ये स्टफ दही बड़ा है, जो खट्टा मीठा लगता है। ये आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। इसके साथ मैं आपको एक इंस्टेंट चटनी बताऊंगी, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, किसी दूसरे स्नैक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और दही बड़े के साथ। तो हम इसे दही बड़ों के साथ सर्व करने के लिए मैं आपको एक इंस्टेंट चटनी बताने जा रही हूँ, जो खटमिट्टी है। इसे आप बहुत जल्दी विद इन 5 मिनट्स तैयार कर सकते हैं, और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं, जो दूसरे स्नैक्स के साथ भी काम आएगी। तो आइए इसे हम बताते हैं। पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। ये है जैगरी या गुड़, ये बहुत इसमें आयरन रहता है, ठंड में ये बहुत फ़ायदे का रहता है। ये मैंगो पाउडर है या अमचूर पाउडर, ये मार्केट में तैयार मिल जाता है। ये है शक्कर, जो हमने हाफ कप ली है, अमचूर भी हमने हाफ कप लिया है, जैगरी भी हमने हाफ कप ली है। और ये हाफ टी स्पून इसमें हमने ज़ीरा, जिसे भून के हमने पीसा है, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून सादा नमक, इसको हमने मिक्स कर लिया है, जिससे हम अपने दही बड़ों को गार्निश करेंगे। तो आइए हम बनाते हैं चटनी। सबसे पहले एक पैन लें, इसमें एक ग्लास पानी डालें, इसमें सबसे पहले हम गुड़ डालेंगे, अब इसमें शक्कर डाल दीजिए। ये चटनी ख़राब नहीं होती है, इसको आप स्टोर करके फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। जनरली हम दही बड़ों के साथ इमली की चटनी बनाते हैं, उसको बनाने में हमको थोड़ा टाइम लगता है, इसको हम इंस्टेंट बना सकते हैं। गुड़ मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, शक्कर मेल्ट होने लगी है। इसमें अब हम अमचूर पाउडर मिला देंगे, इसको हमें चलाते रहना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। अमचूर पाउडर डालने के बाद हमको इसको चलाना है। इसको, इस चटनी को आप थोड़ा और रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें आप छुआरे ऐड कर सकते हैं, या रेसिन्स या किशमिश ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपने दही वड़े की स्टफिंग रेसिन से की है, इसलिए इसको हम सादा ही बनाएंगे। अभी हम इसमें मसाले जो हमने ऐड करके रखे हुए हैं, ये हम मिलाएंगे। ये है खाने वाला रेड कलर, इसको हम एक पिंच डालेंगे, जो इसको एक अट्रैक्टिव सा कलर देगा। चटनी तैयार हो रही है, एक आध मिनट में ही रेडी हो जाएगी। ये सिमर कर रही है, इसको अब हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी थिक होगी। ये हमने इसे बंद कर दिया है। ये चटनी तैयार होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं और दही बड़ों के साथ इसका टेस्ट ले सकते हैं। बड़ा जिसको इस दही में हम सोक करेंगे, उसकी तैयारी हम कर लेते हैं। यह है स्वीट कर्ड या मीठा दही, इसे आप घर में भी तैयार कर सकती हैं, या ये मार्केट में भी मिल जाता है। ये हमने 250 ग्राम्स लिया है, इसमें हम हाफ कप शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि ये खट मीठा दही बड़ा है, इसलिए इसका फ्लेवर हमको थोड़ा सा मीठा देना है। ये सबको बहुत पसंद आता है, मैं जब भी बनाती हूँ, जब आप बनाएंगे तो आपको भी इसके लिए बहुत तारीफ मिलेगी। इस कर्ड को अगर अपन फ्रिज में रख के सर्व करेंगे तो ये और मज़ेदार लगता है। इसको बीट कर लिया, अगर ये ज़्यादा ठीक लगे, पर शुगर डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ये हमने थोड़ा पतला दही लिया है, जो हम दही बड़ा फ्राई करेंगे, पहले उसको हम इसमें सोक करेंगे, जब हम प्लेटिंग करेंगे तो ऊपर से हम थिक वाला दही डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे।
इसे हम एक तरफ रखते हैं। अभी क्योंकि स्टफ दही बड़ा है तो हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। ये है रेसिन्स या किशमिश, सादी किशमिश, इसको हमने धो के बारीक काटा हुआ है। ये 2 टीस्पून, ये 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, डिपेंड करता है आपको कितना तीखा पसंद है, मैंने 2 चिलीज़ ली हैं। ये कोरिएंडर है, इसको भी हम इसमें मिलाएंगे। और ये एक छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का ग्रेट किया हुआ था, उसको हम स्टफिंग में मिलाएंगे। अब हमें इसमें और कुछ नहीं मिलाना है, ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, इसको हम तैयार करके रख लेते हैं। ये है उड़द की दाल जो हमने 1 कप के नाप से भिगाई थी, इसे हमें रात भर भिगाना है। 1 कप उड़द की दाल और थोड़ी सी इसमें 2 टीस्पून के करीब धुली मूंग की दाल। धुली मूंग की दाल मिलाने से दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसको हमने रात भर भिगोया है, पानी निथार के इसको हमने ब्लेंडर में पीस लिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इन चीज़ों को हमको अच्छे से मिक्स कर देना है। दही बड़े के बैटर को हम जितना फेटेंगे ये उतने ही सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं। अब ये एक पिंच हमने हींग ली थी, ये हींग मिला देंगे। उड़द की दाल गैस फॉर्म करती है इसलिए इसको माइल्ड करने के लिए इसमें हींग डलती है, ये हमारी इंडियन कुकिंग की खासियत है। इधर हमें ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा देना। इसको फेंट लीजिए। ये थोड़ा थिक रहता है, पानी इसको पीसते वक्त ध्यान से डालना है कि ये पतला ना हो। बैटर तैयार है, इसके लिए हमें एक तैयारी और करना है। जब तक तेल गर्म हो रहा है हमें कोई भी स्टील की कटोरी लेना है या टिफिन लेना है, उसके ऊपर हम ये पॉलिथिन लगाएंगे क्योंकि इसको हमको भुजिया का शेप देना है स्टफ करके इस तरह से। और एक बोल में पानी रख लीजिए। अब हमें अपना हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसमें, थोड़ा सा पानी लगाइए। अब हम इसमें ये स्टफिंग रखेंगे। अब हमें इसको फोल्ड करना है, इसके एजेस को ठीक से फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आपने इसको 1-2 बार बनाया तो ये आपसे सही बनने लग जाएंगे।
अगर आपको दिक्कत हो रही है हाथ से उठाने में, थोड़ा सा इसको कम करिए और इसको पॉलिथिन के साथ ही नीचे डाल दीजिए। हमारा पहले वाला दही बड़ा रेडी हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। Yes. दही बड़े अब फ्राई हो चुके हैं, इनको थोड़ी देर हम डाइल्यूटेड दही में सोक करेंगे। पाँच से दस मिनट इसको हम भिगा के रखेंगे, ये सोक कर लेंगे इस दही को। ये दही बड़े जो हमने दही में भिगाए थे, इनने दही को सोख लिया है। ये देखिए ये स्पॉन्जी हो गए। अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। में जो हमने दही फेटा था, स्वीटेंड दही जो है, इसको हम ऊपर से डालेंगे। दही हमको अच्छी क्वांटिटी में डालना चाहिए, तभी दही बड़ों का टेस्ट आता है। ये चटनी जो हमने सबसे पहले प्रिपेयर की थी, ये तैयार हो चुकी है। इसको हम दही बड़े पे डालेंगे। खाना कितना ही अच्छा बना हो, जब तक हम उसको बहुत अट्रैक्टिवली सर्व नहीं करते हैं, खाने वालों को उतना मज़ा नहीं आता है। इसमें हमने भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक और काला नमक, उसका मिक्सचर बनाया है जो हम दही बड़े पे स्प्रिंकल करेंगे। ये लीजिए हमारा दही बड़ा स्टफ्ड, खट्टा मीठा दही बड़ा तैयार है। आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।